हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, एमके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे जामिल कंपनी का पैकेज जैसी नॉट वर्किंग है, उसको हम लोग चेक करेंगे कि क्यों नहीं चल रहा है, इसमें क्या फॉल्टी है और क्या क्या इसमें फंक्शन है, कैसे इसका कंट्रोल चेक करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए अभी हमारा कूल लाइन पैकेज ऐसी है जामिल कंपनी का, तो इसको हम लोग इसका कंट्रोल मैं पहले आपको दिखा दूँ इसका कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल ये है इसका, देखिए ये मेन इनकमर है, पावर है, जहाँ पे मेन इनकमर पावर लगता है। ये एटीवी है और ये ट्रांसफार्मर है, यूवीएम है और ये पीसीबी बोर्ड है हमारा। ये ब्लोअर कॉन्टेक्टर है और ये दो टाइमर है जो कंप्रेसर का काउंट हावर्स को काउंटिंग करता है। और ये हमारा एलबीटीवी है और ये दो कंप्रेसर कॉन्टेक्टर है और एक कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर है। ओके दोस्तों, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं ये पैकेज ऐसी क्यों नहीं चल रहा है। तो अभी देखिए हम इसमें पावर ऑन किए हैं तो हमारा जो यूवीएम है, यूवीएम में पावर आ रहा है लेकिन हमारा पीसीबी बोर्ड में पावर नहीं आ रहा है। देखिए जैसे कि आप लोग को दिखा दें, हमको पीसीबी बोर्ड में पावर नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि पावर कहां से रुका है और क्यों नहीं आ रहा है पावर। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग इसको चेक करते हैं और इसका जानेंगे। इसमें पहले हम लोग थ्री फेज चेक कर लेते हैं, थ्री फेज पूरा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए थ्री फेज का वोल्टेज देख रहे हैं, इसमें थ्री फेज तो आ रहा है अभी। थ्री फेज जैसे इसमें देखिए थ्री फेज में इसमें वोल्टेज आ रहा है, इसमें थ्री फेज आ रहा है तो मान लो यूवीएम में पावर मिला, लेकिन यूवीएम से हमको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो देखेंगे। तो जो फर्स्ट कंट्रोल का केबल है उसको पहले समझते हैं, हमारा कंट्रोल का केबल कहाँ से लिया है और कैसे स्टार्ट किया है। तो देखिए कंट्रोल के लिए एक पावर यहाँ से लिया L1 से, L1 से लेकर सीधा गया है हमारा ये एटीवी है, जो एटीवी है यहाँ पे लेकर आया, इसका जंक्शन बॉक्स भी बोल सकते हैं और एटीवी बोल सकते हैं। तो एटीवी में लेकर आया है, एक L1 पावर लिया यहाँ से, B1 केबल जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा दिखा दें हम आपको, B1 है, B1 केबल से 1B केबल है वो सीधा आया है इसमें एटीवी में। एटीवी में से देखिए यहाँ पे जो दो केबल दिख रहा है रेड और ब्लैक, ये फेस न्यूट्रल केबल नहीं है, इसमें एक कंट्रोल का केबल है, ये फायर के लिए जाता है हमारा ये केबल। ये जो यहाँ से केबल है ये फायर के लिए जाता है, देखिए यहाँ पे गया है नीचे, ये फायर के लिए जाता है। तो इसमें क्या सिस्टम है ये पैकेज एसी में, कभी इनकेस जिस एरिया में ये फीड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है एयर को, उस एरिया में अगर कभी फायर हो जाता है तो उस कंडीशन में एसी हमारा बंद होना चाहिए। इसके लिए जो फर्स्ट केबल कंट्रोल के लिए लिया है वो जाता है फर्स्ट फायर में, फायर उधर कुछ नहीं है तो उधर से वो रिटर्न हमको पावर मिलेगा। एक ये फायर का मतलब केबल जाएगा एक स्मोक डिटेक्टर में, बस लगा रहता है और कुछ नहीं रहता है, स्मोक डिटेक्टर से होकर रिटर्न आता है हमको, तो वहाँ से हमको रिटर्न मिलेगा पावर, वही पावर सीधा हमारा यूवीएम में जाएगा। अब यहाँ पे यूवीएम में पावर, उसके बाद यूवीएम हमारा थ्री फेज चेक करके थ्री फेज बराबर है तो हमको आउटपुट देता है, वो आता है हमारा पीसीबी बोर्ड में और वो इसी केबल से लूपिंग करके लेता है, पूरा कंट्रोल स्टार्ट होता है। तो ओके दोस्तों, तो हम लोग फर्स्ट चेक करते हैं, देखिए यहाँ से पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहले देख लेते हैं हम फेज से लेके। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा 220 वोल्ट तो यहाँ से जा रहा है, अब इसमें ये टीवी में हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी आ रहा है। अब इसका हम लोग आउटपुट हमको मिल रहा है कि नहीं, एक केबल से इन होगा, एक केबल से आउटपुट मिलेगा, मतलब जितना वोल्टेज अगर इसमें से गया है उतना ही वोल्टेज हमको मिलना चाहिए। अगर उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ फायर का प्रॉब्लम है, इसलिए हमको पावर नहीं मिल रहा है। तो अभी इसमें देख रहे हैं, देखिए इसमें जैसे चेक कर रहे हैं तो इसमें हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा फायर का प्रॉब्लम है, कुछ भी स्मोक डिटेक्टर को स्मोक मिला है इसलिए वो कैच करके पावर को होल्ड कर दिया है। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको फायर को उसको रीसेट करके भी चला सकते हैं, नहीं तो हम आपको एक आइडिया बता सकते हैं टेम्परेरी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बंद करके, जैसे देखिए अभी हम इसको पावर है, इसको हम मैं बंद कर रहा हूँ, हम पावर को बंद कर लिए हैं और बंद करने के बाद हम क्या करते हैं इसको रिमूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए अभी हम फायर का केबल है जो इसको रिमूव कर देता हूँ, और कभी भी ऐसा लूपिंग करना चाहिए तो बंद करके, पावर को बंद करके लूपिंग करना चाहिए, अन्यथा आपका कुछ भी शॉर्ट सर्किट होने के लिए चांस रहता है, नहीं तो फ्यूज है तो कुछ फ्यूज भी जा सकता है, इसलिए तो हम इसको अभी लूपिंग करेंगे। देखिए हमारे पास अभी एक ऐसा यू टाइप का केबल बना के रखे हैं तो इसको हम लोग इसमें लगा लेंगे, ये इसका जंक्शन बॉक्स है, इसमें हम लगा दिए हैं और अभी हम पावर को चालू करके देखेंगे कि हमारा एसी चालू हो रहा है कि नहीं। देखिए हम पावर को ऑन किए हैं, हमारा यूवीएम में पावर आ रहा है, देखिए दिखा रहा है,
अभी UVM से पावर हमको आउटपुट करके मिलता है कि नहीं मिलता है वो हम लोग चेक करेंगे। फिर इसके बाद भी हम देखेंगे इसका कंट्रोल के बारे में और HP LP के बारे में भी। देखिए अभी पावर हमको मिला, ये हमारा PCB बोर्ड में भी इसका LED ब्लिंकिंग करने लगा और ब्लोअर का कॉन्टेक्टर भी पकड़ा और हमारा पैकेज AC वर्किंग में हो गया। तो ओके दोस्तों, तो इससे इस तरह से कुछ भी कंट्रोल है तो 1x1 से हम लोग उसका चेक करते जाएंगे तो हमको फॉल्ट मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो अभी देखिए इसमें से जो पावर इसका मिला, ये यहाँ से पावर जो आया था इसमें, हम इसमें इन में देख रहे थे उतना पावर वोल्टेज मिल रहा था, इसका आउट में भी हमको उतना मिलना चाहिए तभी हमारा सिस्टम वर्किंग होता है। तो इसका आउटपुट में उतना वोल्टेज मिला, फिर बाद में ये पावर सीधा UVM में आता है। ये UVM हमारा 3 फेज चेक करके 3 फेज में बराबर है तो ये हमको आउटपुट देता है 1 नंबर केबल से। ये 1 नंबर केबल सीधा वापस से भी हमारा ATV में आता है। ATV से इसमें से लूपिंग करके लिया एक पावर सीधा PCB बोर्ड में आएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर केबल से इसमें PCB बोर्ड में आया और यहाँ से लूपिंग करके ये रिले को भी दे दिया है। इसका आउटपुट करंट ना कि इसका कॉइल वोल्ट है। ओके दोस्तों, तो बाद में इसमें हम फिर चेक कर लेते हैं PCB बोर्ड में भी, जैसा कि आप लोग को दिखाया इसमें LED वर्किंग है यानी कि पावर इसमें हो गया आया है। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं जब ब्लोअर हमारा वर्किंग कर रहा है तो इसका कैसे कर रहा है। तो इसका पास तो इसमें जब पावर मिला इसको 220 वोल्ट मिला तो इसमें 220 वोल्ट से इसमें ट्रांसफार्मर में जाता है। पहले ट्रांसफार्मर में इसमें सीधा पावर आएगा तो ये नहीं कि सीधा बोर्ड को ऑन करता है, सीधा पहले ट्रांसफार्मर में जाता है। ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर से देखिए इसका मेन केबल इनकमिंग का पावर है ट्रांसफार्मर का, ये आउटपुट का पावर है। ये आउटपुट में देखिए इसमें 3 केबल है। 3 केबल का है मतलब इसमें 2 तरह से पावर हमको मिलता है। एक तो हमको एक 24 वोल्ट भी देता है और एक 12 वोल्ट भी देता है। 12 वोल्ट किस लिए देता है? 12 वोल्ट हमारा PCB बोर्ड के लिए है और 24 वोल्ट हमारा HP LP कंट्रोल के लिए है। क्योंकि कोई भी PCB बोर्ड है उसमें 12 वोल्ट DC पे ही काम करता है, इसलिए इसमें से 2 पावर मिलता है। एक पावर इसको और इसको चेक करेंगे तो 24 वोल्ट मिलेगा और ये दोनों को चेक करेंगे तो 12 वोल्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इसलिए इसमें से हमको 2 पावर मिलता है PCB बोर्ड के लिए। अब ये 2 पावर से मिलता है तो इसके 12 वोल्ट पे PCB कार्य करती है और 24 वोल्ट में हमारा HP LP कंट्रोल है और थर्मोस्टेट भी कंट्रोल होता है। तो जैसे इसमें 24 वोल्ट आया, वो 24 वोल्ट जिसमें देखिए RC है, इसमें ये RC के माध्यम से सीधा इसमें आता है LVTB में। LVTB में आएगा तो ये सीधा 2 केबल से जाता है हमारा थर्मोस्टेट को। ये थर्मोस्टेट ऑन हो गया, थर्मोस्टेट ऑन होता है तो सीधा वहाँ से हमको 1 पावर मिलेगा जी, जो जिसमें पैकेज के ब्लोअर को चलाने के लिए ये हमको आता है जी पावर है, ये है जी। अब ये जी हमको हमको चेक करने दे लेते हैं पहले। जैसे हमको आपको SKM पैकेज में भी बताया था कि इसको चेक करने के लिए सी को लेके और जी से चेक करते हैं हमारा वोल्टेज अगर मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा पावर आ गया है। अब ये जी पावर आया 19 नंबर केबल से, देखिए जी पावर आया है और ये पावर सीधा आया है कि इसमें इसका कॉन्टेक्टर का ओवरलोड में, ब्लोअर मोटर का कॉन्टेक्टर का ओवरलोड में आता है। ये ब्लोअर मोटर का कॉन्टेक्टर का ओवरलोड में आएगा तो उसका ये ओवरलोड चेक करता है। कैसे भी इनकेस का भी मोटर हाई एम्पियर लेके ट्रिप हो गया तो उस कंडीशन में ये हमारा ओवरलोड काम करता है। तो ओवरलोड में आकर इसको चेक करके इसमें जैसे हम आपको दिखा दें, फर्स्ट देखिए इसमें ब्लोअर के ओवरलोड में भी पावर आया है तो इसमें इसमें कितना इन हो गया है तो पावर ब्लोअर मोटर का इन में कितना हो रहा है, देखिए 27 वोल्ट और आउट में भी 27 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका ये आउटपुट है वो सीधा कहाँ पे आता है, ये फिर इसमें आता है G1 सीधा वापस आएगा फिर यहाँ पे RC के बगल में। देखिए ये RC था, ये RC के बगल में G1 आया, ये G1 सीधा आके एक ब्लोअर मोटर का जो कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्ट है इसमें से इसका रिले का कॉइल वोल्ट पकड़ता है। ये रिले को जैसे मैं आपको पहले बताया कि एक पावर इसमें लूपिंग करके रखा है जो इसका पासिंग करंट के लिए, वो पास कभी करता है जब इसका ये G1 आएगा इसका कॉइल पकड़ेगा उसके बाद ये पास करेगा, ये सीधा पासिंग करेगा तो ये पास करके सीधा करंट आएगा इसको कॉइल वोल्ट पकड़ता है। इस तरह से हमारा ब्लोअर वर्किंग करने लगता है। अब बात है Y1 के लिए, अब इसमें 2 कंप्रेसर है तो इसमें 2 कंप्रेसर के लिए एक Y1 और Y2 मिलेगा। अब Y1 हमको देखिए जैसे 1 नंबर Y1 कंप्रेसर है, Y2 कंप्रेसर है। ओके दोस्तों, तो इसमें हम फर्स्ट चेक करेंगे Y1 के Y1 का पावर है कि नहीं है। अभी हम देख लेते हैं Y1 को पावर है कि नहीं है। Y1 को देखिए अभी पावर नहीं है इसमें, इसमें बराबर 27 वोल्ट मिलना चाहिए क्योंकि 21 वोल्ट मिल रहा है यानी कि पावर नहीं है। जैसे कि आपको देखिए मैं जी में देख रहा हूँ तो 27 वोल्ट बता रहा है ना, उसी तरह 27 वोल्ट Y1 में भी आना चाहिए। 22 वोल्ट है मतलब उसमें पावर अभी कमांड नहीं है,
इस तरह Y2 में भी आना चाहिए। तो इसमें अभी कमांड नहीं है, फिर भी मैं आपको कंट्रोल इसका बता देता हूँ किस तरह काम कर रहा है। अब ए Y1 आएगा तो Y1 सीधा आता है कहाँ पे, जहाँ से हमको तो अगर थर्मोस्टेट से टेम्परेचर लो हाई में करने के बाद जो भी उसमें से हमको कमांड मिलता है Y1 मिलेगा फर्स्ट। तो ये Y1 सीधा आता है यहाँ पे आएगा PCB बोर्ड में, देखिए G1 के बगल में Y1 है। अब ये Y1 से आउटपुट Y1 आएगा तो सीधा जाएगा फर्स्ट इसका HP में, HP का आउटपुट से एक पावर इसमें PCB बोर्ड में ही लूपिंग करके लिया। इसका बैक साइड का नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन इसमें बैक साइड से लूपिंग करके लेता है, HP में जाएगा, HP का आउटपुट से सीधा लूपिंग करके लेता है इसमें इसका सोलेनॉइड के वाल के लिए। इसमें ये देखिए 4A 4B जो है ना ये सोलेनॉइड वाल के लिए है, और ये 3B 3A है इसका कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर का क्वाइल वोल्ट है। ये 3B 3A हमारे 4A और 3A, ये एक नंबर कंप्रेसर का 4A 4B, ये दो नंबर कंप्रेसर का। तो फर्स्ट जैसे G1 आएगा बाद में HP में जाएगा, HP का आउटपुट से ये बैक साइड से इसका लूपिंग करके लिया है, इसका जाके इसका सोलेनॉइड वाल का जो रिले है उसका क्वाइल वोल्ट पकड़ेगा तो सोलेनॉइड वाल को पावर जाएगा। सोलेनॉइड वाल जैसे वो ऑन होगा वहाँ से हमको LP के लिए भी पावर मिलेगा, क्योंकि बिना ये सिस्टम क्या है इसमें जो पम्प डाउन सिस्टम है, जब ये पैकेज हमारा बंद होता है तो पम्प डाउन में हो जाता है। उस टाइम में जब तक हमारा सोलेनॉइड वाल ऑन नहीं होगा और ये कंट्रोल का सर्किल पूरा नहीं होगा, इसीलिए HP का आउटपुट से सीधा जाके ये रिले का क्वाइल वोल्ट पकड़ेगा। बाद में LC जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ेगा और LP कनेक्ट होगी उसमें उसी टाइम हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा LP का। तो इस LP का जब सर्किट पूरा होगा उसी टाइम में आके सीधा ये जो कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का जो रिले है इसका क्वाइल बोल्ट पकड़ता है। ये रिले का क्वाइल बोल्ट पकड़े तो इसका पावर आउटपुट सीधा आके इसका कॉन्टेक्टर का एक क्वाइल बोल्ट पकड़ता है 3A का। ये 3A पकड़े तो इसका चालू अभी एक कॉन्टेक्टर वर्किंग होने लगा, कॉन्टेक्टर कैच किया तो कंप्रेसर वर्किंग होने लगा। अब एक कंप्रेसर वर्किंग हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका कंडेंसर मोटर के लिए, कंडेंसर मोटर के लिए इसका जो कंडेंसर मोटर का कॉन्टेक्टर है यहाँ पे देखिए एक ही कंडेंसर मोटर का एक ही कॉन्टेक्टर है, और इसमें क्या है तो इसका जो पावर मिलता है इसका क्वाइल वोल्ट इसका NO से लिया है, इसका NO से एक पावर लेके आया है इसका सीधा इसका एक क्वाइल वोल्ट देता है NO से, ठीक है। तो इसका जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर का जो NO से ये पावर आता है ये सीधा जाएगा इसका जो दो मोटर है ना, इसमें दो कंडेंसर मोटर दो है तो दोनों कंडेंसर मोटर का जो उसका है उसमें देखिए उसका सेफ्टी के लिए बायोमेटल लगा रहता है, बायोमेटल उसको बोलते हैं कितना जाने है, उसको थर्मोस्टेट भी बोल देते हैं बायोमेटल थर्मोस्टेट, तो उसमें बायोमेटल लगा है। तो यहाँ से जो पावर निकलेगा सीधा जाएगा उसके बायोमेटल में, उसको चेक करेगा मोटर को कि मोटर हीट है कि नहीं हीट है, अगर मोटर हीट है तो पावर वो वहीं पे स्टॉप रहेगा, वापस हमको एक कंडेंसर मोटर के कॉइल वोल्ट में नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं यहाँ से पावर सीधा जाता है उसके बायोमेटल में, जाके वापस मोटर का टेम्परेचर चेक करने के बाद रिटर्न आके इसका कॉइल वोल्ट पकड़ता है, उसी टाइम हमारा एक कंडेंसर मोटर का वर्किंग करने लगता है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इसमें 1x1 कुछ भी कंट्रोल है तो हम लोग चेक करते हैं। और इसमें मैं एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें और SKM का पैकेज एसी का कंट्रोल में और जमील कंपनी का पैकेज एसी का कंट्रोल में आप लोग को क्या डिफरेंस है, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।